भाई अपने अवतार बहुत शानदार मूवी है, इसका फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है भाई, 3 घंटे की फिल्म है पूरी। मैं हूँ आज पिंक स्क्वायर मॉल जो कि है जयपुर के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर एरिया गोविंद मार्ग पर ये पड़ता है, बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी। सो हे गुड मॉर्निंग यार, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज यार वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग के अंदर। और गाइज आज का हमारा जो प्लान ये है कि आज हम जाएंगे भाई पिंक स्क्वायर मॉल जो कि जयपुर के अंदर है, वहाँ पर मूवी देखेंगे और फिर जहाँ पर भी मन होगा वहाँ पर चले जाएंगे, मतलब कहीं पे भी घूम लेंगे फिर जयपुर के अंदर। मतलब प्लान तो यही है कि मूवी देखें, अवतार मूवी देखनी है हम लोगों को। ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, फटाफट चलते हैं भाई। यार 10:30 बजे की हमारी बस है और 11 बजे तक या 11:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे आराम से। जूते कहाँ भाई? सो भाई ये है आपका पिंक स्क्वायर जयपुर। इधर भी आ गए, बढ़िया। 4th फ्लोर चलते हैं फिर। हाँ यार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, क्या करो यार तुझसे मोहब्बत हो गई। ये भी यहीं पे आया हो? बंदे बोल रहे भाई ये भी यहीं पे आया। नीचे मिले थे मुझे रोड पे मिल रहे थे, तो रोड पे मैं शूट ले रहा था तो ये भी वहीं पे खड़े थे, तब से देख रहे थे कि मतलब ये भी यहीं पे आ गया। बंदे यार अजीब ही लग रहे हैं। और देख आइनॉक्स, आइनॉक्स में चलना है अपने को, मूवी देखनी है क्या? चलो मूवी दिखा दे, मूवी दिखाता हूँ फिर तुझे। गेमिंग जोन है, यहाँ की एंट्री फीस है भाई 600 रुपये, 600 रुपये का रिचार्ज करवाओ और बस 5 मिनट में 600 रुपये ख़त्म, बस ख़त्म भाई ख़त्म। 5 मिनट में 600 से कम का रिचार्ज नहीं होता ना यहाँ पे। और ये है भाई जोम्बी, जोम्बी हॉरर गेम चल रहा है जोम्बी, जैसा कि GTA के अंदर है ना वैसा ही सीन है। मैं हूँ आज पिंक स्क्वायर मॉल जो कि है जयपुर के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर एरिया गोविंद मार्ग पर ही पड़ता है, बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर मेरे पीछे है आइनॉक्स और मैं हूँ अभी फोर्थ फ्लोर पे, मतलब 4th फ्लोर पे हूँ। बहुत ऊंचाई है, नीचे से मैं दिखा दो भाई कितनी ऊंचाई है। तो देखो भाई मेरे भाई फ़ोन पकड़ते टाइम पे भी हाथ कांप रहे हैं। ये देखो 4th फ्लोर है, उधर के साइड में है गेमिंग जोन है, मतलब गेम वेम का जोन है, और इधर के साइड में भी गेम है, हॉरर गेम्स हैं इधर। तो भाई अपने अवतार बहुत शानदार मूवी है, इसका फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट है भाई, 3 घंटे की फिल्म है पूरी। सेंट्रो अब कहाँ चलना है फिर? सेकंड फ्लोर पे चलना है, और मतलब फूड बेवरेजेस वगैरह भी अवेलेबल हैं इसके अलावा, मतलब जैसा कि मॉल के अंदर होता है वैसा ही है। और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को लाते हो तो मतलब इधर की साइड में बिठा सकते हो आराम से और मस्त चिल कर सकते हैं। इधर भी फूड कोर्ट है तो फूड एरिया है, तो काफ़ी मज़ा आएगा फूड का। बाकी जो गर्लफ्रेंड वाले लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग आते ही रहते हैं, हम तो भाई कुछ भी नहीं लिए, हम तो भाई वैसे ही खाएंगे। नीचे चलना है अपना सीधा, तो अब भाई नीचे की ओर जा रहे हैं, हमें जाना है वापस 2nd फ्लोर पर। तो भाई अभी हैं 2nd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे तो आ गए। अब क्या करना भाई, 2nd फ्लोर पे भी ये देखो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं 2nd फ्लोर पे भी, स्पेनी है, अमेरिकन से, मतलब जीन्स के ब्रांड है सारे सारे, मतलब कपड़ों का एरिया है ये, मतलब जो 2nd फ्लोर है इस पर कपड़े हैं, जो 4th फ्लोर था उस पर मतलब फूड कोर्ट था, फूड एरिया था, बस यही है भाई। बाकी इसके मतलब नीचे है ना वो मतलब ग्रोसरीज वगैरह है, तो उस पर मतलब सारी चीज़ें, मतलब बिग बाज़ार खुला हुआ है वहाँ पे, तो नीचे ही नीचे चलेंगे फिर वापस। तो भाई यार पिंक स्क्वायर मॉल से अब आया हूँ भाई अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में, लेकिन ये तो भाई पता नहीं, मतलब दूर से ऐसा लग रहा है, मतलब गेट वेट सब बंद है ना, तो ऐसा लग रहा है भाई बंद ही है। बट मुझे अभी पता लगा कि यार राहुल गांधी यहाँ पर आए हुए थे, तो शायद उनकी वजह से मतलब अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम का मतलब यहाँ पर कुछ काम हुआ होगा, तो यहाँ पर शायद बंद सा लग रहा है मेरे को। अगर बंद होगा तो फिर वापस चल लेंगे, बाकी तो फोटोज़ तो हम खींचेंगे ही खींचेंगे, मतलब बाहर से, तो क्यों भाई बाहर से तो फोटो खींचेंगे ही खींचेंगे ना। देखो गेट दिखाता हूँ मैं, बंद है। तो भाई ये यहाँ पर देखो गेट वेट मतलब बंद है, एंट्री नहीं है अंदर की साइड में, तो सारा मतलब गेट वेट बंद है। और वहाँ से देखो बढ़िया है दिनेश, देखो यहाँ से मतलब इधर की साइड से गेट तो बंद है, और बस आगे की साइड मतलब पैदल जा सकते हैं, पैदल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी गेट तो बंद है ही। तो चलता हूँ यार दिखाता हूँ आपको अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम वापस से, बिकॉज़ एक बार पहले भी हम लोग आए थे, बट वहाँ पे उस टाइम पे मतलब पूरी तरीके से मतलब दिखाया नहीं था मैं, आज मतलब बहुत अच्छे अच्छे सिनेमेटिक सीन लूँगा मैं और बहुत अच्छे से दिखाऊँगा आपको। आज तो वैसे भी भीड़ कम ही है, क्या पता। अरे यार भाई वहाँ तो मतलब भीड़ लग ही रही है शायद,
नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगी फ़ोटोज़ वगैरह, कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं। चलो चलते हैं। वैसे भी भाई कबूतर उड़ा, तू भी उड़ाएगा कबूतर? आजा तेरे से भी उड़वाता हूँ कबूतर। आजा 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो भाई ये ले। आजा उड़ा दिए। आजा भाई आजा आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, आगे की तरफ चलते हैं भाई, मतलब बाहर की बाउंड्री लाइन है ये। और ये देखो भाई, मतलब राहुल गांधी आया हुआ था ना, तो ये देखो इन सब सारी चीज़ें लगी हुई यहाँ भाई। आजा आजा, ये है। और उधर की साइड में टिकट्स वगैरह मिलते हैं। हाँ भाई बोल। तो भाई अल्बर्ट हॉल पे यहाँ पे बढ़िया फ़ोटो शूट चल रहा है, और यहाँ पर मतलब कुर्सियाँ वर्सियाँ लगी हुई है, बिकॉज कल रात का मतलब 2 दिन का प्रोग्राम था राहुल गांधी का यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर अब तो मतलब फाइनल हो गया, तो यहाँ पर कुर्सियाँ वर्सियाँ मतलब सारा सब कुछ समेट रहे हैं ये लोग। तो बस कल से मतलब चालू हो ही जाएगा, मतलब पूरी तरह से खिल जाएगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर मतलब कबूतरों को दाना वगैरह भी डालते थे पहले, आपने देखा होगा और वीडियोस के अंदर। भाई पीछे है ये अल्बर्ट हॉल, देखो काफ़ी ठीक लग रहा है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है भाई यहाँ पर वैसे तो। और अभी और फोटो शूट करना है ना, ठीक है, और फोटो शूट करता है भाई, दोस्त आया हुआ है तो उसका फोटो शूट मतलब करना है पूरा कम्प्लीट। तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी देर रेस्ट करते हैं, बाग के अंदर सोते हैं थोड़ी सी देर, फिर चलते हैं भाई। भाई यहाँ पर यार काफ़ी अच्छा आ रहा है, देखो चेहरा भी मतलब बढ़िया आ रहा है। तो भाई यार अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम था, मतलब बाहर से तो पूरा देख लिया, और भाई बहुत अच्छा यहाँ पर फोटो शूट चला था, मतलब आधे घंटे तक मतलब 101 फ़ोटो मैंने खींच दी अपने दोस्त की, और मतलब खुद की भी फ़ोटोज़ खींची है। तो भाई यहाँ पर रेस्ट करता हूँ थोड़ी सी देर, फिर चलते हैं, मतलब आगे कौन सी साइड में चलेंगे, फिर चलते हैं हवा महल चलते हैं, उसके बाद में सीधा घर ही जाऊँगा मैं, थक गए। टाइम क्या हो गया भाई, टाइम हो चुका है अभी, यानी कि 3:20 हो चुकी है, मतलब यहाँ से आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया हमको अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम पर ही। तो भाई यहाँ पे सोने में मज़ा आ रहा है, तो थोड़ी सी देर रेस्ट करते हैं फिर चलेंगे भाई। तो भाई हवा महल आए हैं फोटो शूट करने के लिए, तो फटाफट यहाँ पे भी मतलब फ़ोटो शूट करते हैं भाई का, और फिर वापस मतलब चलते हैं, वरना बस नहीं मिलेगी हम लोगों को। बढ़िया, तो करते हैं भाई फ़ोटो शूट स्टार्ट। खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा, तू खड़े हो जाओ, कहाँ खींचना है बताओ, वहाँ पर आ जाओ उधर की साइड में, चल उधर 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 बीच में आ जाना, बीच में। तो भाई अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, हवा महल, दोनों तीनों जगह पर घूमने के बाद में अब भाई बस के लिए जा रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट नगर से हमारी बस है, तो वहाँ से भाई बस पकड़ेंगे फिर सीधा घर, बस फाइनल। तो भाई ये देखो ट्रैफिक का लेवल देखो आप, मतलब कितना भयंकर लेवल का ट्रैफिक है इस साइड ही, आगे की साइड भी देखो, इधर भी ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भाई। भाई हमारे टेम्पो निकल ही नहीं था भाई, हमारी गड्डी को निकाल दो यार, और तो बाकी सब रहने दो, हम लेट हो रहे हैं यार। चलो भाई फाइनली थोड़ा सा रास्ता मिला है, थैंक गॉड कि अब देखो फिर वापस जाम, आंटी जी बीच में आ गई थी, फाइनली अब भाई खाली रोड मिला है, तो भाई खींच लो एक बार फटाफट। कितने बजे की बस है हमारी? 5 बजे की बस है, बस आधा घंटा हमारे पास है, बिकॉज बस में थोड़ा 10-20 मिनट पहले पहुंचेंगे, तो मतलब सीट भी मिल जाएगी, और सीट मिलेगी तो भाई बढ़िया रहेगा। हाँ भाई, तो भाई गांव की बस तो पकड़ ली है, हमारे गाँव की बस के अंदर मतलब सामान वगैरह रख के बस को रिजर्व कर लिया है, तो भाई सीट हमारी फिक्स हो गई है, तो भाई सीधा बस में चलते हैं अब। भाई ये है हमारी बस जो कि जाएगी सीधा हमारे गांव की तरफ,